सो हे हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दूंगी आलू की ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली और ज़बरदस्त वाली रेसिपी, जिसको आप ट्रैवलिंग में भी लेकर जा सकते हैं। जैसे कि हम कभी जाते हैं ना घूमने फिरने, तो भी आप इसको लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही प्लेन और सिंपल सी रेसिपी है। बरसात के दिनों में ना ये जो है ना पूरी के साथ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। लेना है एक बर्तन, कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में डालना है कुकिंग ऑयल जो भी आप लोग खाते हैं, और फिर डाल देंगे हम उसमें थोड़ा सा जीरा, दो खड़ी लाल मिर्च उसमें डाल देना है, और फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देना है। अगर आप लोग ट्रैवलिंग के लिए जैसे कि ये जो सब्ज़ी है बना रहे हैं, तो प्याज इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि प्याज जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो सब्ज़ी ना महक जाती है, तो नहीं लेके जा सकते हैं आप लोग। तो प्याज जो है स्किप करेंगे अगर ट्रैवलिंग के लिए बना रहे हैं तो, और घर के लिए बना रहे हैं तो आप लोग जो है प्याज का यूज़ कर सकते हैं। और प्याज बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, छोटा प्याज बहुत होगा। और प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा बस तेल में डाल देना है, एक दो बार इधर उधर हिला देना है, चला देना है, फिर बस हो गया। फिर इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ आलू। तो यहाँ पे जितने लोगों के लिए आप लोग बना रहे हैं, आलू का कुछ पक्का क्वांटिटी नहीं है, जितना आपका फैमिली है जितने लोगों के लिए बना रहे हैं उतना जो है इसमें आलू डालना है। बॉईल करने के बाद इसमें आलू डालना है। आलू बॉईल करने का प्रोसेस जो है हर किसी को पता होता है, तो इसलिए मैंने वो फालतू गिरी यहाँ पे नहीं की है वीडियो वगैरह में वो दिखाने की। और फिर हम इसमें आलू को जो है ना थोड़ा सा ना 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, और डाल देना है इसमें मिर्ची पाउडर, जितना तीखा आप लोगों को रखना है ना तो उतना जो है मिर्ची पाउडर डाल देंगे। और वैसे भी आलू जो है ना, ये कभी कभी ऐसे होते हैं ना आलू थोड़ा सा मीठा वगैरह हो जाता है, मीठा आते हैं, तो मिर्ची पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, तो आलू का जो टेस्ट है थोड़ा सा मीठा वो नहीं लगेगा, थोड़ा सा तीखा जो है अच्छा लगेगा। तो तीखा बाकी जो है आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसमें डाल देना है धनिया पाउडर, मसाले यहाँ पे एकदम प्लेन और सिंपल वाले मसाले जो है मैं इसमें डाल के बनाया, जो मसाले हमारे मसालेदानी में होते हैं ना वही मसाले इसमें डालने हैं, अलग से जो है कोई मसाला ऊपर से नहीं डालना है। बहुत ही प्लेन और सिंपल सी आलू की सूखी वाली सब्ज़ी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिर हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी यहाँ पर डालना ना ज़रूरी है, आप लोग डालेंगे अच्छा लगेगा। तो कस्तूरी मेथी डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा जो है ना हम लोग पका देते हैं, और इसको थोड़ा सा इधर उधर बहुत अच्छे से चला लेना है। ये सब्ज़ी जो है आप लोग कभी भी ना, जैसे कि जल्दी जल्दी खाना बनाने का है तो आप लोग ये सब्ज़ी जो है बना सकते हैं। सूखी सब्ज़ी है, दाल चावल के साथ या फिर रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ, नान के साथ, कैसे भी जब मन चाहे तब आप लोग इसको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ नींबू का रस, आधा लेमन का रस जो है मैंने इसमें डाला है, और डालने के बाद इसको जो है बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे ना आप लोग ना आमचूर वगैरह का जो पाउडर होता है ना वो सब इसमें नहीं डालना, नींबू का रस ही डालोगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका, आप लोग कभी बना कर देखना। और यहाँ इसमें जो है ना टमाटर का यूज़ मैंने नहीं किया है, तो आप लोग भी जो है टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे। प्लेन और सिंपल सी रेसिपी है। नींबू डालने के बाद ना इसको ना ढक के ना 1 से 2 मिनट के थोड़ा सा वैसे ही छोड़ देना है, और फिर आप इसको जो है वो खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने प्लेट में निकाल लिया है। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए जो है आप लोग धनिया वनिया डाल सकते हैं, और बहुत प्लेन और सिंपल सी रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ना ये जो आलू की सूखी वाली सब्ज़ी की रेसिपी है पसंद आई होगी, बहुत प्लेन और सिंपल तरीके से बनाई हुई है, और हर कोई इसको बना सकता है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। आप लोग इसको ना रोटी रोल वगैरह बनाते हैं तो ये जो सब्ज़ी है आप लोग उसके बीच में लगा के भी खा सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है, एक ही सब्ज़ी है, अलग अलग तरीके होते हैं अपने अपने खाने के, तो बनाइएगा ज़रूर आप लोग ये सब्ज़ी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।